समाज में कैसे बनी पहचान, संघर्षों से सफलता तक, फर्श से अर्श तक की पूरी दास्तां देखिए व्यक्ति विशेष में सिर्फ प्रत्येक न्यूज लाइव पर। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू होने के बाद भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना, जिसके बाद प्रत्येक वर्ष हर भारतीय इस दिन जश्न मनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। आज इसी कड़ी में बक्सर में भी 71वां गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बताते चले कि कला मैदान बक्सर में पर्यटन मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी देते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी तथा प्रशासन द्वारा परेड की सलामी दी गई। साथ में जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी समेत जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी विभागों द्वारा झांकियां तैयार कर अपने अपने अंदाज से समाज में संदेश देने का काम किया गया। एक से बढ़कर एक झांकियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर एक झांकियां अपने आप में एक अच्छा संदेश देने का कार्य कर रही थी। इस मौके पर मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने संबोधन के जरिए सरकार की योजनाओं का वर्णन करते हुए जल जीवन हरियाली के प्रति भी जागरूक करने का काम किया। साथ ही उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सरकार ने जो ठाना है कि न्याय के साथ विकास, उसका न्याय के साथ सरकार का जो प्रतिबद्धता है कि राज्यवासियों को न्याय के साथ विकास हो, इसलिए न्याय के साथ राज्य का विकास हो रहा है। और आपने देखा होगा कि राज्य में सभी जिलों में सभी स्तर पर सभी सामाजिक भाव को रखते हुए, सामाजिक समावेश को देखते हुए, सभी स्तर के समाज के लोगों को साथ लेकर के सरकार विकास कर रही है। न्याय के साथ विकास है, प्रतिबद्धता है, इसलिए मैं आज के दिन सभी राज्यवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बक्सर सदर प्रखंड अंतर्गत जगदीशपुर पंचायत वासियों एवं समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही समस्त बिहार वासियों से अपील है कि आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जिनके पास जितने बच्चे हैं उतने पेड़ लगाएं। धन्यवाद।